ओ भरी नदी के किनारे खाली जग सनम। वाह वाह। ओ भरी नदी के किनारे खाली जग सनम, मैं अलग सनम, मैं अलग सनम, अलग सनम, मैं अलग सनम। अरे प्रिय भाई छोटा बंटी कितनी मजबूती से अपने जीवन में संघर्ष में है। तो प्रिंस भाई आप बड़े हमारे बहुत ही सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, अमित छोटा भाई और कैमरे पे हमारे अनुज हैं। तब दिल कहता है हर सच्चे कलाकार के लिए, और इस समय हिमालय की गोद में उत्तराखंड के किन पर्वतों में बैठे ये नहीं बता सकते क्योंकि तो हमें नहीं पता हम किन पर्वतों में बैठे हैं, श्रेणी की श्रृंखला में बैठे हैं। फिर आपसे दिल कहेगा न बनना अमीर रहे जाना से फकीर, चंद कागजों के टुकड़ों में बेचना जमीन, चंद कागजों के टुकड़ों में बेचना जमीन। वो एक दिन जाए पाछ यार याद आया करेगा खाली हाथ याद आया करेगा। ओ भरी नदी के किनारे खाली जग सांप, अलग सांप, अलग सांप, अलग सांप। क्या बात है, क्या बात। अपनी जिंदगी में कम से कम इस लायक जरूर से बनिए कि आपको ईश्वर ने जो ये मानव होने का सौभाग्य प्रदान किया है, जाने से पहले वो लोगों को बता के जाओ उसने आपको मानव क्यों बनाया। बाकी आप समझदार हो, अगर समझदार हो तो समझदारी का परिचय देना। और बंटी इस कड़ी में मेरा प्रिय छोटा भाई एक शेर जोड़ेगा, और बंटी की खासियत ये है बंटी हाथ के हाथ परिस्थिति पे शेर बनाता क्या है। क्या बात है बंटी, मेरी महफिल में आकर, मेरी महफिल में आकर, मेरी महफिल में आकर मुझे अनजान बताने वाले, मेरी महफिल में आकर मुझे अनजान बताने वाले, मेरी महफिल में आकर मुझे अनजान बताने वाले, अभी लिख रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। मेरी महफिल में आने वाले मुझे अनजान बताने वाले, और होता नहीं आस पास कोई छुपके से मेरे हाथ दबाने वाले। अरे बहुत सुंदर। इसी के साथ एक बार पहाड़ दिखा दो धनंजय, दिखा दो पहाड़ सबको। पंडित जी के लिए एक शेर, और पंडित जी के लिए एक शेर अभी लिखा है। सो तो जाऊं, सो तो जाऊं, बिनी आकर कानों में मुझे वाह वाह। यदि मैं सो तो जाऊं ताकि नींद कानों में आकर, सो तो जाऊं, अक्सर ये नींद कानों में आकर बोलती है पुराने आओ हैं, पुराने घाव है मेरे, एक तरफ मुझे एक तरफ उन्हें तोड़ दी है। अरे ओ पुराने घाव है मेरे, एक तरफ मुझे एक तरफ उन्हें तोड़ती है। मैं सो तो जाऊं इन्हीं दर्शन। अरे ओ भरी नदी के किनारे इसे चलने दो, इसे चलने दो। हरी नदी के किनारे खाली जग सा हूँ, मैं अलग सा, मैं अलग।